नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी। हम राजा साहब का स्वागत करते हैं। राजा साहब आप जानते हो बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और राजा साहब को ही पता है कि हम आपकी वीडियो पर ही यहाँ आयोजन करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हमने आपके तीसरे वीडियो पर बच्चों के क्वेश्चन आंसर लिए हैं और उनको हम इनाम भी देंगे, उनको जो बेटर परफॉर्म किया है। आप उनसे जो आप उचित समझे बच्चों को एड्रेस करें, बच्चों को, हमको, स्कूल के स्टाफ को, सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप बच्चों में जो रेस्टिलिटी की जो बेसिक्स है वो बता सके। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। तो सारे बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार, और प्यार इसलिए कि एक तरफ तो तुम लोग जो हो वो पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे देश के ऐसे हैं जो पढ़ भी नहीं पाते, स्कूल भी नहीं जा पाते, तो इसलिए बहुत ढेर सारा प्यार। तुम लोग मेहनत करो, अच्छी तालीम हासिल करो और आगे बढ़ो। और दूसरे ये कि हमारी नई नस्ल तो तुम ही हो ना, हमारे ही बच्चे हो सब, तो इसलिए हर बच्चे के लिए बहुत ढेर सारा प्यार। बात करते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान का मतलब है सवाल पूछना और सवाल का जवाब ढूंढना। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हम जवाब भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि शुरुआत तो सवाल पूछने से ही होगी। अब जैसे सवाल पूछना है तो ये पूछ सकते हैं कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, गुलाब के फूल ज्यादातर लाल क्यों होते हैं, आसमान में तारे टिमटिम क्यों करते हैं और उनमें से कुछ टिमटिमाते नहीं है, सूरज रोज क्यों निकलता है भाई, वो भी एक दिन छुट्टी कर लिया करे जैसे हमारे स्कूल की छुट्टी होती है, तो चांद घटता बढ़ता क्यों। ये सारे सवाल ऐसा नहीं है कि तुम पूछो खाली, जो मानवता है, जो इंसान है, वो लगातार पूछता रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार सवाल पूछोगे, लेकिन अगर सवाल नहीं पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि एक जवाब मिल गया पर उसमें गड़बड़ हो गई। जैसे क्लास में अगर पूछोगे टीचर से कि भाई पत्ती का रंग हरा क्यों होता, पेड़ की पत्ती का रंग हरा क्यों होता, वो कहेंगे क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल की वजह से क्यों होता है, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है। ऐसे सवाल लगातार पूछते रहना, इसी को ही हम कहते हैं विज्ञान। और इनका जवाब ढूंढना कि क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है, और फिर यहां तक पहुंच जाना कि रंग अलग अलग क्यों दिखाई दे, हमें एक ही रंग क्यों नहीं दिखाई देता, और क्या जानवरों को भी हमारी तरह के रंग ही दिखाई देते हैं, और अगर जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं तो जानवरों को कौन सा रंग दिखाई देता है, और अलग अलग जानवरों को क्या अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, वगैरह वगैरह। और ये रंग अगर अलग दिखाई देते हैं तो क्यों दिखाई देते हैं अलग, भाई हरा नीला पीला काला अलग अलग है ना, तो ये क्यों अलग दिखाई देते। तो जब ऐसे ही सवाल पूछा और चलते 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 आखिर में अटक गए जाकर के, तो सर सीवी रमन ने कहा कि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, जिनके बारे में न्यूटन ने पहले कहा था, वो डिस्पर्स होकर के हमारी आंखों में आती है, और इसलिए चीजें
अलग अलग तरह से डिस्पर्स करती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, उनकी वेवलेंथ बदल जाती है। तो इसलिए जब सफेद किरणें, अगर सूरज की किरणें किसी चीज के ऊपर पड़े तो बाकी सारे रंगों की फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अगर हरे रंग की चीज है तो, और हरा रंग को हमारे पास फेंक देती है वापस, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ को वापस हम तक पहुंचा देती है। तो विज्ञान का मतलब है लगातार सवाल पूछना, और इसलिए विज्ञान को अगर आगे बढ़ना है तो हर नई नस्ल को कुछ नए सवाल पूछने होंगे और कुछ पुराने सवाल दोबारा से पूछने होंगे। क्योंकि पहले तो लोगों का ख्याल ये था कि हमारी आंखों से किरणें निकलती हैं और इसलिए हमें चीजें दिखाई देती। तो एक साइंटिस्ट था अल हसन अल हाजान, उसने कहा कि ऐसा नहीं होता। पहली बार, क्योंकि सवाल वही था, दिखाई क्यों देता है। उसने भी ये सवाल पूछा, दिखाई क्यों देता है, पर उसने नया जवाब ढूंढा और उसने कहा कि रोशनी की किरणें होती हैं और किरणें चीजों से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, और फिर उस बेसिस के ऊपर कैमरे बनना शुरू, पिनहोल कैमरा सबसे पहले बना, फिर बाद में हमें मालूम है आज तो हर सेलफोन में कैमरा मौजूद है। अगर सही जवाब ना होता कि रोशनी की किरण जाती है, चीजों से टकराती है, कुछ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसको रोक लेती है और कुछ को वापस फेंक देती है, वो हमारी आंखों से टकराती हैं फिर हमें दिखाई देता है, ये ना मालूम होता तो कैमरा नहीं बन सकता। कैमरा बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं हमारी आंखों से किरणें निकलती हैं, जाती हैं, टकराती हैं, हमारी आंखों में वापस आती हैं, हमें दिखाई देने लगता है। तो ऐसा नहीं, यानी अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो लगातार सवाल पूछना जरूरी है। पर अक्सर ऐसा क्लास में होता होगा या घर में होता होगा, जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं भी बहुत सवाल पूछता था, फिर डांट पड़ती था। घर में तो कम पढ़ती थी, घर में तो फादर साइंस के थे, बड़े भाई वगैरह भी साइंस पढ़ रहे थे, कम पढ़ती, पर क्लास में ऐसा हो जाता था, बहुत सवाल पूछते हो, बकबक मत करो, हमें कोर्स पूरा करना है, तुम्हारे ही जवाब देते रहे। इससे हमें डरना नहीं चाहिए, अगर इससे डर गए और सवाल पूछना बंद कर दिया तो फिर ना सिर्फ ये कि विज्ञान की प्रगति रुक जाएगी बल्कि मानवता की प्रगति भी रुक जाएगी, मानवता भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका एक और मतलब है, इसका एक मतलब ये भी है कि अगर नई नस्ल के बच्चे यानी तुम सिर्फ वही सवाल पूछोगे, वही जवाब लाओगे जो हमारी नस्ल के लोग लाए जो बूढ़े हो गए, तो भी तो प्रगति रुक जाएगी, तब भी आगे कैसे बढ़ेगा मामला? मामला तो तभी बढ़ेगा जब तुम पुराने सवाल के नए जवाब ढूंढो और नए सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करो, नए सवाल पैदा करो। यानी तुम्हारी जिम्मेदारी हमसे अच्छा होने की, और तुम्हारे टीचर्स की, तुम्हारे पेरेंट्स की, हमारी पूरी नस्ल की, मेरे जैसे बूढ़ों सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम तुमको अपने से ज्यादा बेहतर बनाएं। और ये तभी होगा जब तुम्हारी नस्ल के सारे बच्चे कंपटीशन करने के बजाय आपस में कोलैबोरेट करें, एक सवाल पूछेगा सब मिलके ढूंढेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम कंपटीशन पे जोर देता है, लेकिन साइंस विज्ञान कोऑपरेशन के ऊपर, एक दूसरे की मदद करने के ऊपर जोर देता है। तो साइंस की नजर से अगर पूछोगे तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि एक दूसरे के साथ मिल के सवाल पूछो, मिल के जवाब ढूंढो, शायद नए सवाल मिलें, नए जवाब मिलें। मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब
मिलके नए सवाल पूछोगे, नए जवाब दोगे, वो चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर। हमारी सारी परंपराओं पे सवालिया निशान लगाओगे। कोई लड़का क्यों ऐसे कपड़े पहनता है, कोई लड़की ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, लड़कियों के बाल क्यों कहा जाता है लंबे रखे जाएं, लड़कों के क्यों छोटे रखे जाएं, हर सवाल पूछना जरूरी है। और याद रखो, सवाल गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है, हर सवाल पूछने की जरूरत। तो वादा करो, पूछोगे सवाल और ढूंढोगे जवाब। वेरी गुड। अब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते, हो सकता है मैं जवाब दे पाऊं, हो सकता है ना दे पाऊं, पर ढूंढूंगा जरूर। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश है। मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल है कि जो आपने अपनी वीडियो में बताया था कि जो जब मानो को जब खतरा महसूस होने लगा और जब उन्होंने उनको अपनी सेफ्टी पे मतलब अपनी सुरक्षा पे कुछ बातें पता चली तो उन्होंने घर मकान और एक साथ समूह के साथ रहना शुरू किया। मगर मेरे कुछ वीडियो में एक बात समझ नहीं आई कि जो वुमेन्स थे उनको ऐसा कब एहसास होने लगा कि अब हम अलग हो जाएं, भेदभाव की और जो एक दूसरे जो नफरत की भावना है वो कब पैदा होने लगी, क्यों ऐसा उनके माइंड में कि हम एक दूसरे से अलग हैं और उन्होंने अपने आप में बंटवारा कब करना शुरू कर दिया। इसके आप सवाल आपसे बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ये सवाल नहीं पूछेंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि क्या बंटवारा ख़त्म कर सकते हैं, क्या हम ऊंच नीच ख़त्म कर सकते हैं समाज में। तो ये जानना ज़रूरी है कि कब बंटवारा शुरू हुआ और कैसे बंटवारा शुरू हुआ। असल में बंटवारे की जड़ें हैं जो निजी संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर। जब इंसान ने खेती शुरू की तो वो जमीन से बंध गया, उससे पहले वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख नहीं सकता था अपने पास, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ता था, खाने की तलाश में, जिंदगी को प्रोटेक्ट करने की तलाश में घूमता रहता था, गुफाओं में रहता था, वहां खाना कम पड़ गया कहीं और चले गए, रोज खाने की तलाश करता था। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति नहीं थी। जब खेती करनी शुरू की तब फिर ये दिखाई दिया कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और निजी संपत्ति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें ये भी कहा है ना कि एक बीज से ज्यादा बीज पैदा होने लगे, तो हमारे पास अनाज इकट्ठा करने के लिए हो गया, यानी अपनी जरूरत से ज्यादा हम पैदा कर सकते थे जो एक दिन की जरूरत थी। अब एक दिन की जरूरत से ज्यादा पैदा कर सकते हैं तो मैं 5 दिन के लिए अपनी पैदा कर लूं अनाज जो है, तो 5 दिन एक दिन का काम करके 5 दिन बैठ के खा सकता हूं, यानी एक सीजन में हमारे जो होते हैं वही तो करते हैं कि पहले बुआई करते हैं, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद फसलें काट के घर ले आते हैं, घर पे रख देते हैं, फिर जब सीजन आता है फिर बुआई करते हैं। तो जब तक सीजन चल रहा है तब तक आराम है हमारे पास अनाज मौजूद है ना। तो इसका मतलब ये कि हमें टाइम मिल गया, और एक बात बड़ी पक्की हो गई कि मुझे फिर बाकी साल के हिस्से में काम करने की जरूरत नहीं है, जब फसल बोनी शुरू होगी तभी काम करने की। इसका मतलब यह है कि मैं दूसरे को अगर बंदी बना लूं और कहूं तुम नीच हो और तुम मेरे लिए काम करोगे, तो मैं उससे अपनी जमीन पे काम करवा सकता हूं और अनाज उसको खाने के लिए दूंगा और खुद भी खा लूंगा। जैसे ही ये शुरू हुआ वैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी शुरू हो गई, यानी मेरी जमीन, मेरा खानदान, मुझे अपने बेटे को देना है वो जमीन, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें शुरू हो गई समाज के अंदर, और काम का बंटवारा हो गया। शुरू में तो सिर्फ काम का बंटवारा हुआ, बाद में सारी की सारी संपत्ति,
और आज भी दुनिया में लगभग 2% लोगों के हाथ में इस मानवता की 90% दौलत है और बाकी 10% में दुनिया की 98% आबादी जिंदा है। हमारे देश में ऐसा ही, कुछ लोगों के हाथ में दौलत है, कुछ लोगों के हाथ में नहीं। यानी अगर दौलत का बंटवारा बराबर कर दिया जाए समाज के अंदर, तो फिर ऐसा समाज हम बना सकते हैं जिस समाज में ऊंच नीच ना हो। पता नहीं मेरे मैंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, सही था या नहीं था, परखना और खुद भी ढूंढने की कोशिश करना। मेरा नाम आशर्मन सिंह। नाम क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। आशीष। आशीष, अच्छा आशीष, बोलो बेटा। सर मेरा सवाल है कि जो हमारे पृथ्वी पे ओजोन परत है वो कैसे बनी, और वो उसके अंदर ऐसी कौन सी पावर है जो सूर्य की प्रभावी किरणों को शोष लेती है हमारे पृथ्वी के अंदर नहीं आने देती। नहीं, किरणें उनको शोष लेती है, ये उनको सोख लेती है। हाँ, हमारी जो दो चीजें हैं, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। हमारी जो पृथ्वी पे जमीन पे किरणें आती हैं वो जिंदगी के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है, जिंदगी उनमें पनप नहीं सकती है। तो शुरुआत में जब ऑक्सीजन का और ओजोन का कवच नहीं था और दूसरी गैसेस का और कणों का कवच नहीं था, तब जिंदगी पैदा हो चुकी थी और वो किरणें जिंदगी के बहुत खिलाफ थी। तो इसीलिए पानी के अंदर पैदा हुई, यानी पानी हो वो, या बाद में धीरे धीरे जब ओजोन लेयर बन गई तो अल्ट्रा वायलेट रेज को वो कम कर देगी। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रावायलेट रेज बिल्कुल नहीं पहुंचती हम तक, लेकिन वो उसको फिल्टर कर देती है। तो सूरज से आने वाली किरणों में से जो रेज हैं, हार्मफुल रेज हैं जिंदगी के लिए, वो ओजोन लेयर उनको सोख लेती है। और इसीलिए जब ओजोन लेयर में छेद बड़े बड़े पैदा होने शुरू हो गए तो ये बहुत चिंता की बात हो गई, क्योंकि अगर वो किरणें पहुंच जाएं हम तक और लगातार हम उन किरणों में जिए तो शुरुआत होगी हमें स्किन कैंसर से। तो लोगों को स्किन कैंसर उन इलाकों में होने लगे जहां ओजोन लेयर बहुत थिन थी, इसलिए वो बहुत चिंता का विषय बन गया। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रांजल है, मैं क्लास 7th में हूँ। प्रांजल, हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे मस्तिष्क में ग्रे मैटर है उससे हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जिससे हम सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा है तुमने। इसका जवाब जो है वो अभी भी हमारे वैज्ञानिकों के पास पूरी तरह से नहीं है। प्रांजल, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पर दुनिया भर में बहुत शोध किया जा रहा है कि हम कैसे सोच पाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि सवाल पूछ पाते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्या जानवर भी सवाल पूछ पाते हैं, नहीं पूछ, ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी साइंटिस्ट के पहुंच से बाहर हैं। साइंटिस्ट लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मालूम है हमें उसके हिसाब से हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग हिस्से होते हैं और वो अलग अलग कामों के लिए इंसान इस्तेमाल करता है, जिसमें याददाश्त है, जिसमें हमारे बदन को कंट्रोल करना है, हमारी सांसों को कंट्रोल करना है, हमारे इनवॉलंटरी यानी अगर आंख की तरफ कोई चीज आ रही है तो पलक अपने आप झपक जाती है, हमें सोचना नहीं पड़ता, उसको इनवॉलंटरी कहते हैं। उनके लिए अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे दिमाग में। याददाश्त के लिए अलग पॉइंट है और एक जाल है अंदर न्यूरॉन्स का,
जिनसे आपस में केमिकल रिएक्शन की वजह से बातचीत या कम्युनिकेशन, उसे कहते हैं अंग्रेजी में कम्युनिकेशन, इनके बीच में होता है, और उससे यानी देखना भी ब्रेन से होता है अल्टीमेटली, आंख से हम नहीं देखते हैं। तो जो ब्रेन है हमारा, दिमाग जो है, वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और ये बात मैंने शायद अपने एक लेक्चर में भी कही है कि इसीलिए हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है हमारे बदन में, और जो कुछ हम खाते हैं यानी हमारा जो ईंधन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दिमाग को चलाने में लगता है, इतना किसी और जानवर के दिमाग को चलाने में नहीं लगता, क्योंकि वहाँ वो सिंपल दिमाग होता है और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी सिंपलर होते हैं। इंसान के दिमाग में जहाँ सोचने की ताकत है, जहाँ इमोशंस हैं, जहाँ बदन को कंट्रोल करना है, जहाँ जैसे मैंने कहा देखना है, ख्वाब है वगैरह, ये सब कुछ जो है ये हमारे दिमाग के केमिकल रिएक्शन से हो रहा है। मेरा नाम तन्नू है। तन्नू? हाँ। अच्छा तन्नू, हाँ बोलो। तो सर मतलब मैं मतलब एक हमारे महाद्वीप है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक एशिया है, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो मतलब जो एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है वो बहुत दूर है, उनके बीच में बहुत सारा पानी हम मतलब हम देखते हैं जब मैप में देखते हैं तो। लेकिन मतलब एशिया से कई लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में गए, तो उन्हें कैसे पता चला कि मतलब जो महाद्वीप है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया, मतलब जब वो एशिया से निकले तो उन्हें कैसे पता चला कि हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? बहुत मजेदार सवाल है ये तो, है ना, और बीच में पानी है तो कैसे गए? देखो उस वक्त जबकि हम बात कर रहे हैं यानी अब से लगभग 50-55 या 80 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इतनी पुरानी बात कर रहे हैं तो एक तो आदमी इंसान के पास और कोई तरीका नहीं था सिवाय पैदल चलने के, जो बोट बनी है वो भी बाद में बनी, और जैसे बहुत सारे बांसों को बांध करके रस्सी से एक एक कश्ती जैसी बना लेते हैं, जिसे कश्ती नहीं कह सकते, वो पानी पे तैरती है तो उस पे जाया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वक्त तक वो राफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में उसे, राफ्ट बनाना भी इंसान ने सीखा। बहरहाल ये एक बड़ी परेशानी थी वैज्ञानिकों को कि उस जमाने में जब पैदल ही चल सकता था एक जगह से दूसरी जगह इंसान, तो लोग कैसे एक से दूसरे महाद्वीप में चले। हमारे साथ बड़े महाद्वीप हैं तो इनके बीच में पानी है, इनमें कोई खुश्की का रास्ता नहीं, और इसलिए तुम्हारा ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत दिन तक वैज्ञानिक इस सवाल से जूझते रहे। फिर हमको ये पता लगा, और खास तौर से जियोलॉजी से, जो जियोलॉजी साइंसेस हैं उनसे पता लगा कि धरती के ऊपर बहुत सारी ऐसी साइकल्स रही हैं जब बर्फ जम गई है पूरी धरती के ऊपर, और एक आइस एज बहुत लंबे अरसे तक चली, यानी शीत की ऐसी परतें बन बिछ गई हैं जब बाकी सब कुछ खत्म हो गया, और वो टेम्परेचर तापमान धरती का बहुत नीचे चला गया, और ऐसे में बहुत सारा पानी जो था वो आइस बन के अलग अलग जगह के ऊपर इकट्ठा हो गया। तो जब ये आइस एज आई जो अब से 10,000 साल पहले तक चली है, एक आइस एज, ऐसी बहुत सारी आइस एज रही हैं धरती के ऊपर, तो वो जो 10,000 साल पहले की थी जब इंसान माइग्रेट कर रहा था, वहां से अफ्रीका से बाहर निकल रहा था, तो उस जमाने में दो बातें हुई आइस एज से। एक बात तो ये हुई कि बहुत सारा पानी जो समंदर में होना चाहिए था वो
जमा हो गया धरती के ऊपर, जहां जहां आइस, जहां जहां बर्फ जमी, यानी जो समंदर है उसका लेवल नीचे चला गया। पहली की चीज तो ये, और दूसरी चीज ये हुई कि बहुत से जगहों के ऊपर समंदर का पानी भी ऊपर ऊपर से जम गया, जैसा अभी भी हमें पता लगता है अंटार्कटिका के एरिया में या साउथ पोल के ऊपर, जब सर्दियों का मौसम वहां आता है तो बर्फ इतनी जम जाती है कि उसके ऊपर आप चल सकते हैं। हमारे देश में अगर पहाड़ों पे जाओ तो सर्दियों के जमाने में नदियां और लेक खास तौर से वो जम जाती हैं बिल्कुल ऊपर से, आप उसके ऊपर चल सकते हैं। तो जाहिर है कि उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं था, इंडिया का नाम इंडिया नहीं था, एशिया का नाम एशिया नहीं था, तो पता नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं। लेकिन खाने की तलाश में लगातार इंसानों के ग्रुप के कुछ हिस्से आगे बढ़ते रहे, यानी कुछ ऐसे थे जो सेटल हो जाते थे, रुक जाते थे एक जगह के ऊपर, हिंदुस्तान में रुक गए, अंडमान निकोबार में रुक गए, और टापुओं के बीच में क्योंकि बर्फ जम गई इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते बन गए। पानी नीचे गया तो बहुत जगह के ऊपर अंदर नीचे जो पहाड़ हैं समंदरों के अंदर, वो भी ऊपर की तरफ निकल आए, यानी पानी उनसे नीचे चला गया। तो इस तरह से माइग्रेशन जो है वो लगातार चलता रहा, यानी कुछ लोग रुक जाते थे कबीलों के, कुछ लोग आगे बढ़ जाते थे खाने की तलाश में, और ऐसी तलाश में जो आगे चलते रहते थे लोग, वो तरह तरह के तरीके निकालते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के, और बहुत एडवेंचरस थे, यानी उनको बहुत पसंद था नई नई जगह तलाश करना। ऐसे अलग अलग जगहों के ऊपर धरती पर इंसान बसता चला गया, ऐसे ही अमेरिका तक पहुंचने का भी वही रास्ता था। यूरोप के ऊपर से होते हुए वो नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका से फिर साउथ अमेरिका की तरफ चले गए। एक ब्रांच जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई यूरोप से होती रूस के ऊपरी हिस्से की तरफ चली गई, एक चाइना की तरफ चली गई, और वो जापान तक चली गई। इस तरह से माइग्रेशन होता रहा है। तनु, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया या नहीं? मिल गया सर। अच्छा, मेरा नाम तुषार वर्मा है। तुषार? हाँ बोलो तुषार। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ? किसका जन्म? मनुष्य का जन्म कैसे हुआ पृथ्वी पर? मानव का? हाँ। इंसान का? हाँ, इंसान का जन्म एक वक्त में नहीं हुआ, किसी का भी जन्म एक वक्त में नहीं हुआ, किसी भी जानवर का जन्म एक वक्त में नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि किसी ने आकर के कहा हो कि चलो ये पुतला है इसके अंदर हम आत्मा फूंक देते हैं, जान फूंक देते हैं, ऐसे नहीं। पहले एक कोशिका के जानवर बने, फिर वो ज्यादा कोशिकाओं के जानवर बने, फिर उसके बाद तरह तरह की और शक्लें बदलती चली गईं। तो ये ऐसा समझ लो जैसे कि पेड़ होता है ना, पेड़ की एक जड़ होती है, एक तना होता है, हम छोटा सा बीज डालते हैं वो जड़ बन जाती है, फिर उसमें निकल आती है और किला फूटता है, और फिर अलग अलग शाखें निकलती हैं, और फिर उन शाखों में से और शाखें निकलती है, फिर उनमें से और शाखें निकलती है, और फिर पत्ते निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे और गोरिल्ला के पूर्वज हैं, यानी गोरिल्ला, ओरंगुटान, बंदर, इनके जो पूर्वज शाख है वो एक ही है। एक शाख में से जब फूटे और शाखें, तो धीरे 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 एक शाख जो है वो मानव में तब्दील हो गई। लेकिन ये लाखों सालों में, कोई एक दो साल में नहीं। जो हमारी शक्ल है, यानी जिसको अंग्रेजी में होमो सेपियन कहते हैं, होमो का मतलब होता है मानव, और सीधा, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो,
तो वो मानव जो जो हमारे पूर्वज हैं, सीधे पूर्वज हैं, वो अफ्रीका के जंगलों में लगभग 2,00,000 साल पहले एक नई शाख होती थी। अब यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जो ये शाखें फूटती कैसे ना, शाखें फूटती हैं ऐसे कि हमारे अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर लगातार बदलाव आते रहते हैं। वो हर जानवर के अंदर बदलाव आते हैं। अब अगर वो बदलाव आते रहते हैं तो हमें ये मालूम है कि एक खानदान के लोगों की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती होती, अलग भी हो सकती, पर इतनी नहीं मिलती हैं कि आप अहमर को गौहर मतलब आशीष को आप तुषार कहने लगे, ऐसी नहीं होती। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव हमेशा आता रहता है, यानी हमारा नेचर जो है वो लगातार प्रयोग करता रहता है इन छोटे छोटे बदलाव। अब क्या होता है कि यूरोप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से बदलाव आया तितलियों के अंदर। वहां पर बहुत, जैसे हमारे यहाँ प्रदूषण हो रहा है वैसे ही यूरोप में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया। अब जब बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया तो दीवारें जो हैं वो ग्रे या भूरी जैसी हो गई। तो तितली की दो प्रजातियां थी, एक प्रजाति वो थी जिसका भूरा रंग था और एक का सफेद रंग था। तो जब वो बैठती थी किसी जगह के ऊपर तो उस जगह का रंग भूरा होता था। सफेद तितली जो उनके खाने वाले कीड़े थे वो ज्यादा दिखाई देती थी और भूरी तितली कम दिखाई देती। तो वहां से सफेद तितली की जातियां लुप्त हो गई। तो ये होता है एनवायरनमेंट का इफेक्ट। एक तरफ म्यूटेशन हो रहा है हमारे डीएनए में और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट का इफेक्ट। ये दो चीजें बड़े बदलाव ला सकती हैं धीरे धीरे होने वाले बदलाव के मुकाबले। धीरे धीरे तो लगातार चलता है, एक तितली के पर या एक पत्ता दूसरे पत्ते का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही नहीं होता, उस जैसा होता है बिल्कुल वैसा नहीं होता। तो ये बदलाव तो हमेशा रहता है। एक पेड़ जो दूसरे जैसा दिखाई देता है हमको, नीम के सारे पेड़ एक जैसे दिखाई देते पर एक नहीं होता। तो ये एक्सपेरिमेंट नेचर करता रहता है और धीरे धीरे जब बदलाव बढ़ता जाता है, चाहे वो एनवायरमेंटल इफेक्ट से हो या फिर डीएनए के चेंज होने से, तो ऐसी शाखें फूट जाती हैं कभी कभी जो बिल्कुल फर्क हो दूसरी शाख। और इसीलिए हम ओरंगुटान से, गोरिल्ला से, चिंपैंजी से और बंदर से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये भी आपस में अलग अलग हैं और इस तरह से इंसान धरती पर पैदा हुआ है। शिवानी, शिवानी हल्के हल्के बोलो तो मेरी समझ में आ जाएगा। हाँ धीरे। मेरा ये सवाल है कि जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो, जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो और ग्रह पर लोग नहीं रहते? जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो और ग्रह पर क्यों नहीं रहते? अच्छा हाँ, ये ग्रह जो हैं वो कितने हैं शिवानी? शिवानी ये ग्रह कितने हैं? सर ग्रह तो 8 है। ओके चलो 8 मानते हैं, 9 है वैसे, लेकिन अगर 8 भी ग्रह हो तो दो तरह के ग्रह हैं। एक तो वो हैं जो ठोस है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो को एक बार निकाल दिया था फिर उसके अंदर जाते। तो दो तरह के ग्रह हैं, एक तो वो जो ठोस हैं, सॉलिड हैं,
और एक वो है जो गैस की फॉर्म में है, यानी गैस इकट्ठा है अभी तक, सॉलिड नहीं हो पाए, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स उनको अंदर इस तरह से नहीं हो पाया है गुरुत्वाकर्षण की वजह से कि वो सॉलिड या ठोस बन जाते। तो जहां सॉलिड नहीं है वहां तो इंसान रह ही नहीं सकता, जानवर रह ही नहीं सकता, जिंदगी पनप नहीं सकती, वो तो सिंपल बात है। पर चांद पे क्यों नहीं है, मरकरी और वीनस पे क्यों नहीं है, ये तो ठोस है। तो तुम्हारे सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बात यह है कि जिंदगी पैदा करने के लिए, यानी जानवर पैदा होने के लिए, वो चाहे जानवर हों या पेड़ पौधे हों, उनके पैदा होने के लिए कुछ हालात होना चाहिए। अब वो हालात ऐसे होने चाहिए जिनमें जिंदगी ना सिर्फ पैदा हो जाए बल्कि फले फूले और वो अपनी शक्ल बदल सके, यानी यूनिसेलुलर, एक कोशिका से मल्टी कोशिका और इंसान तक पैदा हो सके। तो एक बात तो शुरू में ही सवाल पूछा था कि सूरज से ऐसी किरणें आती हैं धरती तक जो जिंदगी को खत्म कर सकती है, उनको रोकने वाली चीज क्या है, ओजोन लेयर है। तो ये ओजोन लेयर होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, और ऑक्सीजन की ऐसी मात्रा होना जरूरी है जिसमें जिंदगी पनप सके। हमें पता लग रहा है ना आजकल प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो सांस लेने की परेशानी हो जाती है, सांस लेने की परेशानी हो जाती है तो लोगों को दमा हो जाता है, जल्दी मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो जिंदगी के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी, जिनमें खास चीज जैसा मैंने कहा पानी जरूरी, ऑक्सीजन जरूरी है, और ये कि जो हार्मफुल रेज हैं, जो ऐसी रेज बाहर से आती हैं जो जिंदगी को खत्म कर सकती हैं, उनको रोकने के लिए भी कुछ होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ धरती पर, हमारी धरती पर। अभी तक हमें पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं पता लगा है कि कहीं कोई जिंदगी मौजूद। हम ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं ढूंढने में, तरह तरह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सोप्लैनेट्स भी मिले हैं हमको, दूसरी आकाशगंगाओं में, बहुत हमसे दूर है वो, वहां भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी धरती उस बैंड में है, एक पट्टी है जिस पट्टी के अंदर ही ये तापमान, जो धरती का तापमान है, वो रह सकता है। मरकरी वीनस के ऊपर तापमान कहीं ज्यादा है, वहां पर जिंदगी का पनपना बहुत मुश्किल काम है। यानी धरती जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो एक ऐसे बैंड में है जिस बैंड के अंदर जिंदगी पनप सकती है। धरती के ऊपर पानी है, धरती के ऊपर ऑक्सीजन है, धरती के ऊपर ओजोन लेयर है। इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, जैसा मैंने कहा कि धरती को सॉलिड होना भी बहुत जरूरी है, उसके अंदर का भी टेम्परेचर, अगर रोज भूकंप आते रहें तो जिंदगी नहीं पनप सकती। कभी कभी भूकंप चल जाता है, रोज सुनामी आती रहे तब भी जिंदगी नहीं चल सकती। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिल करके हमारी धरती ऐसे एक बैंड में है, हमारी ये खुशकिस्मती है कि ऐसे बैंड में है कि यहाँ पर जीवन पनप पाया। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम रजनीश है। रजनीश, अच्छा बोलो रजनीश। मेरा सर सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत सारे ग्रह बने, सूर्य से जो टूट के से उनसे बहुत सारे ग्रह बने, लेकिन हमारे जो हम रहते हैं पृथ्वी पर रहते हैं उनसे जो हम पृथ्वी पर रहते हैं उसमें हमारा जीवन संभव है, पर और ग्रह में जीवन संभव क्यों नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे ग्रह हो सकते थे जिन पे हमारा जीवन संभव हो। और ग्रहों पे संभव नहीं है, इसीलिए अगर हम चांद पे जाएंगे या वीनस पे या मार्स पे, इन पे जाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हमें जिंदगी पैदा करने के लिए या जिंदगी रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए भी चाहिए होगा कि हम वहां पर ऑक्सीजन लेकर के जाएं या ऑक्सीजन पैदा करें, पानी पैदा करें,
जिंदगी के हालात पैदा करें, खाने की व्यवस्था करनी होगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा अगर हमको किसी और ग्रह के ऊपर अब इंसान को जाके बसना है। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर सवाल जो है वो थोड़ा मैं और स्पष्ट कर देता हूँ। इनका कहना ये है कि जब सभी ग्रह सूर्य से अलग हुए हैं तो उनकी विशेषताएं एक जैसी क्यों नहीं है, वो पृथ्वी जैसे ही क्यों नहीं है और उनका जीवन संभव है। ओके, पृथ्वी जैसे क्यों नहीं है? हाँ, पृथ्वी जैसे इसलिए नहीं है कि जब देखो जब सूर्यमंडल बन रहा था, सूर्यमंडल बन रहा था तो उससे पहले यहां पर एक बहुत बड़ा कणों का बादल था और वो कणों के बादल के अंदर कंपन पैदा हुआ क्योंकि कहीं जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं उनकी वजह से पैदा हुआ और कहीं बहुत दूर हमसे लेकिन बहुत ताकतवर विस्फोट या तो हुआ था और या दो बड़ी मेजर आकाशगंगाएं आपस में जुड़ गई थी एक वक्त में, तो उसकी वजह से लहरें पैदा हुई, ये वैज्ञानिकों का मानना है। और उन लहरों की वजह से कण जो हैं इस बादल के, यानी जो जो इस एरिया में सारा मास था वो उसमें से करीब आना शुरू हो गया। 99% जो मटेरियल था वो एक जगह इकट्ठा हो गया और उनसे सूरज बना। जो बाकी का 1% था लगभग, उससे बाकी ग्रह बने, यानी बीच में सारे कण इकट्ठा शुरू हुए होना शुरू हुए लेकिन जगह जगह के ऊपर बादल के टुकड़े रह गए और वो टुकड़े दो तरह से बनने शुरू हुए। वो टुकड़े एक तरफ तो खुद इकट्ठा हो गए और धीरे धीरे छोटे छोटे गेंद बनने शुरू हो गए उनसे, पर वो सूरज के चारों तरफ चक्कर भी लगाने लगे और जब वो चक्कर लगा रहे थे तो अपने रास्ते की बहुत सारी धूल मिट्टी कूड़ा करकट जो था इस एरिया में उस बादल के अंदर जो था उसको भी साफ करने लगे, यानी वो भी वहां इकट्ठा होता चला गया। जैसे ये आगे बढ़ रही है, अगर कोई चीज इसके करीब आ रही है, इसके रास्ते में करीब आ रही है तो इसके गुरुत्वाकर्षण में आते ही इसमें अंदर आ जाएगी। ऐसे धीरे धीरे ग्रह बने, तो कहीं जो सूरज के बाद 1% बचा था वो कहीं थोड़ा ज्यादा बचा कहीं कम बचा, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का जो असर था वो कहीं ज्यादा था कहीं कम था। जैसे धरती के ऊपर जाहिर है कि गुरुत्वाकर्षण का असर सूरज के ज्यादा होगा बनिस्बत जुपिटर सैटर्न या बाकी को लें, और जो जो वीनस है उसके ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि वो सूरज से ज्यादा करीब है। लेकिन जो मास इकट्ठा हो रहा है वो भी m1 × m2/r² होता है ना गुरुत्वाकर्षण, तो ये जो मास इकट्ठा हो रहा है वो इंपॉर्टेंट था बहुत। दूसरी तरफ जो टुकड़ा था बच गया था इकट्ठा जब हो सकता था वो इंपॉर्टेंट था, और उसके साथ साथ रास्ते में जो कुछ आ रहा था वो इंपॉर्टेंट था, और वो सूरज से कितनी दूर है इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग थी इसलिए ग्रहों के शेप, ग्रहों का आकार, ग्रहों का साइज ये अलग अलग है। मेरा नाम विशाल है। विशाल, ओके। हाँ विशाल, मेरा सवाल ये है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी मतलब ऊर्जाएं जो कि संसार में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी रखती हो? ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड शुरू हुआ था उसमें संतुलन कहना कि बना हुआ है या नहीं बना हुआ ये गलत होगा, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है, तो किसी तरह के संतुलन की बात करना
सही नहीं है। बहरहाल तुम अगर बात कर रहे हो सूर्य मंडल की, तो संतुलन बनाने के लिए या आकाश गंगाओं की, उनके अंदर जो संतुलन बना हुआ है, यानी वो जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह हों या तारे हों, वो अगर चक्कर लगा रहे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि उसकी वजह गुरुत्वाकर्षण, जिसकी बात न्यूटन ने सबसे पहली बार की कि पूरे ब्रह्मांड में जो संतुलन है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। लेकिन न्यूटन का जो संतुलन था, उनकी भी समझ उतनी नहीं थी जितनी आज वैज्ञानिकों की है। न्यूटन का ख्याल यह था कि ब्रह्मांड रुका हुआ है, ठहरा हुआ है एक जगह के ऊपर। आज हमें मालूम है कि ब्रह्मांड ठहरा हुआ नहीं है और वो लगातार फैलता जा रहा है, उसके अंदर आकाश गंगाएं बन रही हैं, मिट रही हैं, हमारे जो तारे हैं वो फट रहे हैं या अंदर और ज़्यादा ठोस होते जा रहे हैं, ब्लैक होल्स बन रहे हैं। तो लगातार ये चल रहा है, कोई इस तरह का संतुलन नहीं है कि कहीं एक जगह ठहरा हुआ हो। उसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लॉ ऑफ चेंज इज द ओनली लॉ व्हिच डजंट चेंज, यानी बदलाव का उसूल नहीं बदलता, बाकी सब बदलता। तो संतुलन उस तरह से हमें उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी कि हम संतुलन कह किसको। मेरा नाम शिवान है और मैं क्लास 8 से हूँ। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब हम ज्यादा सोते हैं तो हमारे एक हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हम अभी नर्वस होते हैं। तो हम जो नर्वस हो रहे हैं उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना हो तो क्या? आप इनका सवाल दोबारा से दोहरा देंगे? सर सवाल ये है कि हम अपने हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हम अपने हार्मोन्स को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। हार्मोन्स अच्छा है, इम्बैलेंस हो जाए अगर, उसमें संतुलन बिगड़ जाए, तब फिर कंट्रोल करने की जरूरत होती है। हार्मोन्स के लिए अलग अलग तरह की दवाएं हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, तो उनसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज हार्मोन्स की वजह से जो हमारे अंदर कभी कभी कुछ मतलब ज्यादा गुस्सा आ जाए, ज्यादा जिज्ञासा होने लगे, ज्यादा परेशानियां खड़ी हो जाए, तो उनको हम कुछ हद तक तो इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खुद जानते हैं कि इस वक्त गुस्सा आ रहा है। अब गुस्से को कंट्रोल हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए उन हार्मोन का सिक्रीशन, तब फिर दवाओं के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक्सरसाइजेस से बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। एक्सरसाइज सबसे अच्छी चीज होती है हार्मोन्स को कंट्रोल करने की, पर वो एक हद तक ही हो सकता है। मॉर्निंग सर, मेरा नाम विकास है, मैं क्लास 8 से हूँ। मेरा सवाल यह है कि जो हम आपकी पीढ़ी देखी थी, जिसमें हमने बताया था कि एक से ब्लास्ट के कारण पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि बहुत कुछ बना, लेकिन और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण है, तो अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो क्या बनेगा? यानी हमारे ब्रह्मांड का अंत क्या होगा, ये पूछ रहे हो? हमारे ब्रह्मांड का अंत क्या होगा, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में अभी शोध जारी है। दो तरह की थ्योरीज हैं, जिनमें से एक ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये ब्रह्मांड हमेशा ही फैलता रहेगा। दूसरी थ्योरी ये है, जिसमें हमारे देश के नार्लिकर, प्रोफेसर नार्लिकर उस गुट का हिस्सा रहे हैं वैज्ञानिकों के, जो इस थ्योरी को मानता है कि ब्रह्मांड फैलता चला जाएगा, और फिर इसकी फैलने की जो गति है वो कम होना शुरू होगी और रुक जाएगा, और फिर उसके बाद ये वापस सिमटना शुरू हो जाएगा और हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत हुई थी। ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं, बल्कि थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को ही मानते हैं, यानी हमेशा ब्रह्मांड आगे फैलता जाएगा।
नमस्ते सर, कि मेरा नाम खुशाल है सर। हाँ अच्छा, हाँ बोलो। मेरा ये सवाल है कि जब हम सोते हैं तो सपने आते हैं, और क्यों आते हैं हमें सोते हुए सपने क्यों आते हैं? हाँ, सपने क्यों आते? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे एक साथी ने पूछा था ना कि हम सोचते कैसे हैं, हम सवाल कैसे पूछते हैं, हम हमारे दिमाग कैसे काम करता है। तो ये दिमाग के काम करने की वजह से हमें सपने आते हैं। हमारा दिमाग जो है वो 24 घंटे काम करता रहता है, जब हम सो रहे हैं तब भी काम करता रहता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। फेफड़े के अलावा इस तरह से और दिल के अलावा इस तरह से पूरी बॉडी का ख्याल रखने का काम जो है वो दिमाग का है, और उसमें हमारे दिमाग में जो ख्यालात हैं वो दिन में भी चलते रहते हैं और रात को भी चलते रहते हैं। जो कचरा पैदा होता है, हमारे सोना इसलिए ज़रूरी है कि वो कचरा जो है वो साफ हो जाता है रात को। जो केमिकल्स नहीं चाहिए और दिन भर की एक्टिविटी से पैदा होते हैं तो सोने में वो केमिकल साफ हो जाते हैं दिमाग में से, इसलिए गहरी नींद सोना बहुत जरूरी है। हमें सपने जो आते हैं वो लगातार आते रहते हैं, साइंटिस्ट का ये मानना है। यानी जब आंखें बंद होती हैं हमारी और जब तक खुलती हैं आंखें तब तक लगातार हमको सपने आते रहते हैं। ज़्यादातर सपने याद नहीं रहते, हमें सपने वो वाले याद रहते हैं जो अधकच्ची नींद में हम देख रहे होते हैं। यानी शुरुआत में जब हम सोने जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग पूरी तरह से सोने की तरफ आगे बढ़ रहा है, या हम जब जाग रहे हैं धीरे 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 जागते जा रहे हैं, या हम अधकच्ची नींद इस वजह से सो रहे हैं कि कहीं दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या तबीयत खराब हो रही है, यानी पूरी तरह से सो नहीं पा रहे। पर सपने लगातार आते रहते हैं, जो कुछ हमने देखा है, सोचा है, महसूस किया है, इन सारी चीजों से जो हमारे दिमाग में चलता रहा है उसको दिमाग हर वक्त एनालाइज करता रहता है, उसको परखने की कोशिश करता रहता है, सपने उसका हिस्सा होते हैं। बहरहाल सपनों के ऊपर भी बहुत सारा शोध किया जा रहा है दुनिया में, और पक्के जवाब हमारे पास अभी भी नहीं है। मेरा नाम योगिता है और मेरा सवाल है वो है कि जो चिंपैंजी जो पहले चिंपैंजी थे वो इंसान बने, पर बाद के जो चिंपैंजी थे वो क्यों नहीं बने? आप इनका सवाल रिपीट कर दीजिए। अच्छा सर, बच्ची पूछना चाहती है कि हम इंसान जो है उनका विकास चिंपैंजी से हुआ, तो अभी भी कुछ चिंपैंजी जो दिखाई देते हैं तो वो ऐसा क्यों है कि वो क्यों नहीं बने इंसान, वो कैसे चिंपैंजी रह गए? मैंने क्या कहा था कि चिंपैंजी इंसान नहीं बने? ये हमारे बहुत सारे टीचर्स भी नहीं समझ पाते, बहुत सारे ऐसे लोग जो विज्ञान को जानते हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पाते, इसलिए वो गलत बात कहते हैं कि बंदर से इंसान बना है या चिंपैंजी से इंसान बना। इंसान चिंपैंजी से नहीं बना, इंसान बंदर से नहीं बना, हम दोनों के पूर्वज एक हैं। जैसे चिंपैंजी बनना शुरू हुए उन्हीं में से एक शाख इंसानों की बनना शुरू, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ की एक शाख से दूसरी शाख नहीं बनती, लेकिन दो शाखें एक शाख से निकलती हैं। जो शाख मोटी वाली थी उसमें से जो पांच शाखें निकली, उन शाखों को ये नहीं कह सकते कि पहली वाली शाख जो मोटी थी वो नई शाख में बदल गई, ऐसा तो नहीं होता ना, निकलती है। तो नई शाखें जो निकलती हैं उनमें चिंपैंजीज की और हमारे ओरंगोटान के और बंदरों के पूर्वज एक ही है। म्यूटेशन हुआ, जैसा मैंने कहा कुछ पर्यावरण बदलाव आए और उसकी वजह से अलग अलग शाखें निकली, इसलिए चिंपैंजी चिंपैंजी रहे और इंसान इंसान बन गए, बंदर बंदर रहे,
बंदरों को के, चिंपैंजीज के, ओरंगुटांस के, गोरिल्ला के और इंसान के पूर्वज एक ही थे। मुझे इजाजत है, लेकिन हमारे गौराजा साहब जिन्होंने बहुत कम अवधि में मुझे टाइम दे दिया, आपके पास बहुत कम वक्त रहता है, व्यस्त रहते हैं, अभी आपको जाना है और आप सबके प्रश्न बहुत है, ये हमें बहुत खुशी की बात है। रजा साहब को भी बहुत अच्छा लगा होगा, शायद ये हो सकता है ये इनका पहला मौका हो कि इतने बच्चों से इतने क्वेश्चन इन्होंने सुने हो, शायद ऐसा मौका रहा हो। बिल्कुल, हमें तो अच्छा लग ही रहा है और बच्चों के चेहरों से भी लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। मैं अजय फाउंडेशन की तरफ से, स्कूल की तरफ से और जोशी जी की तरफ से हम फिर मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे। बार बार हम फिर मिलेंगे।